भाई स्वागत है आप सभी का वाईफाई स्टडी स्टूडियोज पर, विच इज अ पार्ट ऑफ एन अकेडमी। तो वाईफाई स्टडी स्टूडियोज चैनल को सब्सक्राइब करिएगा जितने बच्चे देख रहे हैं। और साथ के साथ आप सभी को बताएं कि मेरा ये जो साइंस की स्पेशल क्लास होती है ये डेली होती है 10:30 बजे, तो दिमाग में रखिएगा आज भी रात को ये क्लास होने वाली है 10:30 बजे, ठीक है? दिमाग में रखिएगा 10:30 बजे ये सेशन होगा, ये 10:30 बजे सेशन जरूर होगा साइंस का जो स्पेशल सेशन होता है। और आज हम क्या है, केमिस्ट्री को स्टार्ट कराने वाले हैं। आज हम केमिस्ट्री को स्टार्ट कराने वाले हैं। कल मैंने स्टार्ट करा दिया था, लेकिन और भी बहुत सारे चैप्टर हैं जो केमिस्ट्री के हैं, तो वो आज रात को 10:30 बजे होंगे, ठीक है? लिंक आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। वाईफाई स्टडी के सभी चैनल को सब्सक्राइब करिए, ठीक है? ये जो टेलीग्राम चैनल है अमन सर वाईफाई स्टडी ऑफिशियल, इस पर आपको लिंक मिल जाएगा इस क्लास का। और उसके बाद सुबह 9 से 11 जो क्लास होती है उसका भी लिंक आपको इसमें मिल जाएगा। करते हैं हमने सेशन को स्टार्ट, ठीक है? टारगेट हम करेंगे कि 200 तक क्वेश्चन कर लें हम, ठीक है? 200 क्वेश्चन तक कर लें, ठीक है? आज ये फाइनल रिवीजन है। उसके बाद कल से जो लाइव टेस्ट होगा 9:30 बजे जो मेरा लाइव टेस्ट होता है बच्चों, उस लाइव टेस्ट में बिल्कुल न्यू सीरीज, बिल्कुल नए क्वेश्चन, ठीक है? 5:30 बजे बिल्कुल नई सीरीज पॉलिटी की स्टार्ट करा रहा हूँ, ठीक है? बिल्कुल नए क्वेश्चन, हर एक यूट्यूब क्लास में नया कंटेंट आपको मिलेगा कल से, ठीक है? बस हम आज फाइनली इसे रिवाइज कर लेते हैं। भाई सभी को गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं, ठीक है? चलिए पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने। एनिमल वेलफेयर बोर्ड जो है ये कहां पर है इंडिया का, जल्दी से बताएगा इंडिया का एनिमल वेलफेयर बोर्ड कहां पे है? आज हम धीरे धीरे करने वाले हैं टॉपिक को, धीरे धीरे करने वाले हैं, जल्दी से बताएगा एनिमल वेलफेयर बोर्ड कहां पे है, जल्दी से बताएगा आंसर क्या है बच्चे, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? बल्लभगढ़ में। कहां पे बच्चों? बल्लभगढ़ में एनिमल वेलफेयर बोर्ड, ठीक है? दिमाग में रखिए। एक और क्वेश्चन देते हैं। अगस्त 9, 2018 इज ऑब्जर्व एज द डैश एनिवर्सरी ऑफ किट इंडिया मूवमेंट, जल्दी से बताएगा किट इंडिया मूवमेंट की ये कौन सी एनिवर्सरी, जल्दी से बताएगा किट इंडिया मूवमेंट की ये कौन सी एनिवर्सरी, आसान है, ठीक है? अगर 2018 है तो आंसर 76 होगा, क्योंकि बच्चे देश आजाद होने से कुछ दिन पहले किट इंडिया मूवमेंट, ठीक है? चलिए देखते हैं। अ प्लेन ग्लास स्लैब इज कैप्ड ओवर द कलरफुल लेटर्स, ठीक है? एक प्लेन, थोड़ा सा धीरे धीरे पढ़ेंगे चीजों को, ठीक है? एक प्लेन ग्लास स्लैब रखा है और उसके नीचे कलरफुल लेटर है, ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, जिसके अलग अलग कलर है, किसी का ग्रीन है, किसी का ब्लू है, किसी का रेड है। अब सवाल आपसे पूछा जा रहा है कौन सा ऐसा लेटर है जो अपियर कम होगा, बहुत कम अपियर होगा। आंसर क्या है बच्चों? वॉयलेट विल अपियर द लीस्ट, ठीक है? वॉयलेट विल अपियर द लीस्ट एंड द रेड विल अपियर द मोस्ट, ठीक है? रेड विल अपियर द मोस्ट, ठीक है? दिमाग पर रखिएगा, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है? दिमाग पर रखिएगा। भरतपुर बर्ड सेंचुरी कहां पर लोकेटेड है, जल्दी से बताएगा भरतपुर बर्ड सेंचुरी का। भाई सेशन को शेयर कर देना एक बार, ठीक है? जल्दी से बताएगा भरतपुर बर्ड सेंचुरी कहां पे बच्चों? राजस्थान में फेमस है, ठीक है? ठीक है, फेमस है भरतपुर बर्ड सेंचुरी, ठीक है? राजस्थान में। द एनर्जी डेट कैन बी हार्नेस हीट स्टोर्ड बिलो द, जमीन के नीचे से हम जो एनर्जी, हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती है वो कौन सी एनर्जी है बच्चे, जल्दी से बताइए। जमीन के नीचे से जो हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती है वो कौन सी एनर्जी है बच्चों? आंसर क्या है इसका? जियोथर्मल एनर्जी। कौन सी? जियोथर्मल एनर्जी है जो जमीन के नीचे से प्रोड्यूस होती है, ठीक है? दिमाग पर रखिएगा जियोथर्मल एनर्जी, क्लियर? चलिए करते हैं एक और क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का आंसर देगा। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कौन सा हुआ था वोट देने की आयु को 21 की जगह 18 करने के लिए? ये लास्ट क्वेश्चंस हैं जो कि मैं आपको रिवाइज करा रहा हूं, प्लीज डू रिवाइज दिस क्वेश्चंस, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं इन पे फोकस कर रहा हूं। कल जो मैंने 9 बजे क्लास कराई थी और आज जो मैं 9 बजे क्लास करा रहा हूं, इन दोनों का टारगेट बस इतना था कि जो मैंने अभी तक इतने क्वेश्चन कराया उसमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को मैं एक बार ही रिवाइज कराऊं, जो कि मैं आपको करा रहा हूं, ठीक है? दिमाग पर रखिएगा। आंसर क्या है? 61st अमेंडमेंट, इस क्वेश्चन का आंसर बताएगा। लेमन जो होता है, नींबू खट्टा होता है, क्योंकि उसमें कौन सा एसिड होता है? सिट्रिक एसिड होता है, ठीक है? देखते हैं एक और क्वेश्चन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग गिव द एग बट नॉट द चाइल्ड डायरेक्टली, इसमें से कौन सा जो एग देता है चाइल्ड नहीं देता डायरेक्टली, ठीक है? आसान है, चिचिंडा गिव्स द एग एंड नॉट द चाइल्ड डायरेक्टली, बाकी कंगारू चाइल्ड, शाही कंगारू और वेल तो डेफिनेटली, ठीक है? दिमाग करके दीज आर द मेमर्स। चलिए देखते हैं एक और क्वेश्चन। हाँ, अगर हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम की अगर मैं बात करूँ तो इनमें से कौन सी ऐसी चीज़ है जो बहुत जल्दी क्या है हमारे जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है उसमें जम जाएगी, जल्दी से बताएगा, एब्जॉर्ब हो जाएगी हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में, इसमें से कौन सी, जल्दी से बताएगा। जब भी किसी को जहर देते हैं ना तो उसमें कोशिश करते हैं DDT से जहर जो होता है ना, ये जो DDT का जो जहर है, ठीक है? दिमाग पर रखिएगा, ये बहुत ज़्यादा एब्जॉर्ब होता है डाइजेस्टिव सिस्टम में, तो इसलिए आंसर इसका क्या है बच्चों? बी इसका आंसर है। चलिए देखते हैं एक और क्वेश्चन इसका। हाँ भाई, नो करंट फ्लो बिटवीन द टू चार्जेस, ठीक है? मान लो एक चार्ज है, कोई सा भी चार्ज, मान लो चार्ज C+ और ये दोबारा C+, ठीक है? आपसे पूछा जा रहा है कि दो चार्ज के बीच में कोई करंट फ्लो नहीं करेगा, प्लस और माइनस के बीच में कोई करंट नहीं फ्लो करेगा,
अगर क्या चीज सेम है, तो दिमाग में रखेगा अगर ये 10 वोल्ट है, अगर ये 10 वोल्ट है और ये भी 10 वोल्ट है, तो ये पोटेंशियल जो है ना, पोटेंशियल वो सेम है। तो इस केस में पोटेंशियल सेम होने की वजह से कोई चार्ज फ्लो नहीं करेगा। तो आंसर क्या है बच्चे इसका, आंसर इसका है कि पोटेंशियल सेम होने की वजह से कोई भी चार्ज फ्लो नहीं करता। ठीक है, दिमाग में रखिए पोटेंशियल सेम नहीं होना चाहिए। हाँ भाई, विच इज द फेमस बर्ड सेंचुरी लोकेटेड इन हरियाणा, हरियाणा में कौन सी फेमस बर्ड सेंचुरी है? बच्चे आसान है, सुल्तानपुर फेमस है, ठीक है, हरियाणा में। जितने बच्चे देख रहे हैं मेरे अन अकेडमी के सभी कोर्सेज को ज्वाइन करने के लिए या किसी भी अन अकेडमी के कोर्स को ज्वाइन करने के लिए आप रेफर कोड यूज कर सकते हैं लाइव अमन। ये रेफर कोड आपके लिए डिस्काउंट्स के लिए, ठीक है, एक्स्ट्रा डिस्काउंट अगर आप चाहते हैं किसी भी कोर्स में तो आप उसके लिए लाइव अमन को यूज कर सकते हैं। चलिए इस क्वेश्चन का, विच ऑफ द फॉलोइंग जीमोग्राफिक पेयर इज नॉट करेक्ट, कौन सा जीमोग्राफिक, ग्लेशियर्स बिल्कुल ये होता है कोरल ओशियंस में, ठीक है, रिवर में डेल्टा बनता है, एयर में पोर्स, ठीक है, छिद्र, बिल्कुल गलत है ये, ठीक है, डी इज नॉट द आंसर, डी इज द आंसर। इन्वेस्टेड इज द, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कुन्नू नेशनल पार्क। देखो मैं नेशनल पार्क के सारे क्वेश्चन कराता जा रहा हूँ, ठीक है, जितने बच्चे देख रहे हो बस आज आप ना एक बार रिवाइज कर डालो, ठीक है, इन 200 क्वेश्चन को रिवाइज कर डालो, उसके बाद कल से नए कंटेंट आ जाएगा अपना, ठीक है, लेकिन इंपॉर्टेंट है कि आप इसे रिवाइज कर लो आज, ठीक है, इंपॉर्टेंट है आप इसे रिवाइज कर लो आज, ठीक है। चलिए बच्चे, अगर मैं कुन्नू नेशनल पार्क की बात करूँ तो ये कहाँ पे, मध्य प्रदेश में, कहाँ पे, मध्य प्रदेश में। विच ऑफ द फॉलोइंग रिकमेंडेड 3 लैंग्वेज फॉर्मूला, बताइए कौन सी कमीशन ने, कौन सी कमेटी ने रिकमेंड किया था 3 लैंग्वेज फॉर्मूला, 3 लैंग्वेज फॉर्मूला कौन सी कमेटी ने रिकमेंड किया था बच्चों? कोठारी कमीशन के द्वारा कहा गया था 3 लैंग्वेज फॉर्मूला का कंसेप्ट है, कोठारी कमीशन के द्वारा, वेरी इंपॉर्टेंट। एक और देखते हैं क्वेश्चन, पॉलिथीन इज फॉर्म बाय, पॉलिथीन एक क्या है बच्चों? पॉलीमर है, पॉलिथीन क्या है? पॉलीमर है। पूछा जा रहा है ये कौन से मोनोमर से बना है, कौन से मोनोमर से, एकल से बना है, कौन से मोनोमर से बना है, दिमाग में रखिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, इथिलीन इसका आंसर है, क्योंकि किसका बनता है पॉलिथीन, किसका बनता है, इथाइलीन का बनता है, ठीक है, दिमाग में रखिए। जो भी बच्चा इस क्लास को देख रहा है, अभी मैं 10:30 बजे जो क्लास कराऊंगा साइंस की, वो बेहद महत्वपूर्ण होगी, तो 10:30 बजे वाली क्लास टेलीग्राम चैनल अमन सर वाईफाई स्टडी ऑफिशियल, इस पे आपको लिंक मिल जाएगा, ठीक है, दिमाग पर रखेगा इस क्लास का। चलिए देखते हैं एक और क्वेश्चन की बात पे, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, व्हाट इज द नेम ऑफ द फॉलोइंग अल्काइल ग्रुप। देखो यार ये अल्काइल ग्रुप दे रखा है CH3, देखो इसमें आप ऑब्जर्व करने वाली ये बात है कि कार्बन कितने हैं, कार्बन कितने हैं, जल्दी से बताएगा कार्बन कितने हैं, आंसर क्या है इसका, आंसर है आइसोप्रोपाइल कहते हैं इसे, हम क्या कहते हैं, आइसोप्रोपाइल। प्रोपाइल क्यों कहेंगे, देखो सिंपल सी बात है, प्रोपाइल तो इसलिए क्योंकि 1, 2 और 3 मीथेन इथेन प्रोपेन, ठीक है, आइसो इसलिए क्योंकि इसमें CH लगा हुआ है, ठीक है, दिमाग पर, इसलिए आइसोप्रोपाइल है। वर्ल्ड यूथ डे किस दिन सेलिब्रेट किया जाता है, जल्दी से बताएगा वर्ल्ड यूथ डे किस दिन प्रकाश चंद्रा डियर, जो पीरियोडिक टेबल की आप क्लास कह रहे हो डियर, वो तो अपनी 10:30 बजे ही आ सकते हैं, ठीक है, दिमाग पर रखिएगा 10:30 बजे, और कल 9 से लेके 11 क्लास है, दिमाग में रखिएगा कल सुबह 9 से 11 जो क्लास है वो इंडियन पॉलिटी के ऊपर है, बिल्कुल कम्प्लीटली न्यू कंटेंट, बिल्कुल कम्प्लीटली न्यू कंटेंट आपका मिलेगा, जो आपका पॉलिटी की सीरीज चल रही थी उसमें तीसरा पार्ट है, 2 घंटे पढ़ाऊंगा तीसरा पार्ट, ठीक है, पॉलिटी का, कल सुबह 9 बजे, ठीक है, दिमाग पर रखिएगा। वर्ल्ड यूथ डे किस दिन मनाया जाता है, आसान क्वेश्चन है, जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, आंसर क्या है, वर्ल्ड यूथ डे किस दिन मनाया जाता है, कमेंट करिएगा, ठीक है, आंसर क्या है, 12 अगस्त। चलिए देखते हैं एक और क्वेश्चन की बात पे, सही बताया सभी ने, हाउ मच परसेंट ऑफ बजट ऑफ उत्तर, ये नहीं करना, ठीक है, हु इज द डायरेक्टर जनरल ऑफ SSB, ठीक है, आसान है, ठीक है, एस एस देशवाल, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन इज नॉट ओनली इन द वर्ल्ड फॉर द बेटरमेंट, ठीक है, कौन सी इसमें से ऑर्गेनाइजेशन है जो कि एकमात्र ऑर्गेनाइजेशन है बच्चों की, ठीक है, बेटरमेंट के लिए, ठीक है, दिमाग पर रखिएगा, बच्चों के लिए सुधार के लिए कौन सी, यूनिसेफ है, ठीक है, दिमाग पर रखिएगा यूनिसेफ, ठीक है। फॉर अ पर्सन हैविंग द हाइपरमेट्रोपिया द नियर पॉइंट इज, अगर किसी व्यक्ति को हाइपरमेट्रोपिया है, ठीक है, मान लीजिए किसी व्यक्ति को हाइपरमेट्रोपिया है तो उसका नियर पॉइंट क्या होगा, साइंस की क्लास में मैं आपको 100 बार ही बता चुका हूँ हाइपरमेट्रोपिया, मायोपिया और प्रिसबायोपिया में क्या डिफरेंस होता है, अब जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, आंसर क्या बच्चे, अगर हाइपरमेट्रोपिया है तो लेस देन 25 है, ठीक है, लेस देन 25 है, ज्यादातर बच्चे सही बता रहे हैं इस क्वेश्चन का आंसर, विच विटामिन कंटेंट कोबाल्ट, कौन से विटामिन में कोबाल्ट होता है, बड़ा आसान क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आंसर बताएगा कौन से विटामिन में कोबाल्ट होता है, कमेंट करिएगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, आंसर क्या बच्चे, विटामिन B12 इसका आंसर है, विटामिन B12 इसका आंसर है, कौन से विटामिन में कोबाल्ट होता है, तो दिमाग में रखिएगा विटामिन B12 में, ठीक है, दिमाग में रखिएगा। वेयर वॉज भारत,
हाँ भाई, अटल बिहारी वाजपेयी के नाम से ना एक स्कूल इनोग्रेट किया गया था, और वो स्कूल कहाँ पे बच्चों? मुंबई में इनोग्रेट किया गया था। ठीक है, सवाल पूछ रहा है वेयर वाज भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी इंटरनेशनल स्कूल इज इनोग्रेटेड, कहाँ पे? मुंबई में से इनोग्रेट किया था। ठीक है, मूसी रिवर इज ट्रिब्यूटरी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, वेरी इंपॉर्टेंट और थोड़ा सा मुश्किल भी, आपसे पूछा जाए कि जो मूसी रिवर है वो कौन सी नदी की सहायक नदी है, जल्दी से बताइए कौन सी नदी की सहायक नदी है, कमेंट करेगा कौन सी नदी की सहायक नदी है, जल्दी से बताइए। कौन सी नदी की सहायक नदी है? बड़ा आसान क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या बच्चे? आंसर है कृष्णा। ठीक है, दिमाग पर रखिएगा, आंसर है कृष्णा। ये करा चुका हूं, दो रेल के बीच में अगर हम गैप रखते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साइंस का, ये क्वेश्चन आ सकता है, दो रेल के बीच के जो ट्रैक्स होते हैं उसमें भी हम गैप रखते हैं, क्योंकि बच्चे उसमें कौन सा एक्सपेंशन हो सकता है? लीनियर एक्सपेंशन हो सकता है, लीनियर एक्सपेंशन हो सकता है, उसके बचाव के लिए हम गैप रखते हैं। ठीक है, ट्रेड यूनियन कौन सी लिस्ट में आता है? सातवीं अनुसूची जो है उसमें कौन से, ठीक है, सूची में आता है, यूनियन स्टेट ग्लोबल या कॉन्क्रीट, जल्दी से बताइए किस सूची में आएगा, कमेंट करिएगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, क्या है इस क्वेश्चन का आंसर, जल्दी से बताइएगा। कौन से अनुसूची में आएगा? ट्रेड यूनियन है, किसमें आएगा? कॉन्करेंट लिस्ट में आएगा, संवृत्ति सूची में आएगा। ठीक है, संवृत्ति सूची में आएगा, देखते हैं अगर क्वेश्चन से बात पे। हाँ भाई, छोड़ेंगे इस क्वेश्चन को। द मोस्ट इंपोर्टेंट इंग्रेडिएंट ऑफ डायनामाइट, डायनामाइट में सबसे ज्यादा जरूरी क्या होता है बच्चे? डायनामाइट जो ब्लास्ट के लिए यूज किया जाता है उसमें, ठीक है, सबसे ज्यादा जरूरी क्या होता है? नाइट्रोग्लिसरीन होता है, ग्लिसरीन इज अ ब्लास्टिंग थिंग। ठीक है, नाइट्रोग्लिसरीन को बहुत ज्यादा यूज किया जाता है इंग्रेडिएंट के तौर पे डायनामाइट में। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखते हैं, आज रिवाइज कर लो जल्दी से, जितने हो सकते हो उतने रिवाइज कर लो। विच फिजिकल क्वांटिटी इज मेजर्ड इन सेमंस, ठीक है, बड़ा इंपॉर्टेंट थोड़ा सा मुश्किल क्वेश्चन है कि बच्चों सेमंस में कौन सी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर किया जाता है, तो आंसर क्या बच्चे? इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस को, किसको? इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस को कौन सी यूनिट में मेजर किया जाता है? सेमंस में मेजर किया जाता है, किसमें? सेमंस में मेजर किया जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन देखते हैं, जो भी बच्चा देख रहा है इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, अमन सर वाईफाई स्टडी ऑफिशियल। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज इंडियाज फर्स्ट लूनर मिशन, सबसे पहला भारत का लूनर मिशन कौन सा है, जल्दी से बताएगा, सबसे पहला भारत का लूनर मिशन कौन सा है? आसान है, चंद्रयान, चंद्रयान जो है अब डेफिनेटली लूनर इज इक्वल टू मून, ठीक है, तो इसलिए चंद्रयान फर्स्ट इसका आंसर है। चलिए देखते हैं एक और क्वेश्चन की बात पे, ये नहीं करना है, ठीक है। हाँ भाई, द क्वालिटी ऑफ साउंड, देखो मैंने आपको बता रखा है पिच किस पे डिपेंड करता है, फ्रीक्वेंसी किस पे डिपेंड, फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है, लाउडनेस किस पे, एम्पलीट्यूड पे डिपेंड करती है, लेकिन अब क्वालिटी की अगर मैं बात करूं तो बच्चे ये किस पे डिपेंड करता है? इसमें से कोई भी नहीं है जिस पे डिपेंड करता है, बिकॉज क्वालिटी हमेशा वेव फॉर्म पे डिपेंड करती है, किस पे? वेव फॉर्म पे डिपेंड करती है, इसलिए इसका आंसर नन ऑफ दीज है, क्योंकि क्वालिटी वेव फॉर्म पे डिपेंड करती है, कैसी वेव बन रही है, ठीक है, इस पे डिपेंड करती है। एक और क्वेश्चन, हाँ भाई, वेयर वाज फर्स्ट इंडिया एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी एस्टैब्लिश्ड, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहली एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी पूरे इंडिया में कहाँ पे स्थापित हुई थी? आसान है क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का आंसर बताएगा क्या? इस क्वेश्चन का आंसर पटना नगर, ठीक है, पटना नगर में, ठीक है। एक स्किप को छोड़ते हैं, रेट ऑफ कूलिंग डिपेंड्स अपॉन, ठीक है, रेट ऑफ कूलिंग जो है किस पे डिपेंड होता है, जल्दी से बताएगा। रेट ऑफ कूलिंग जो है, कोई चीज कितनी जल्दी ठंडी होगी, कितनी जल्दी गर्म होगी, वो किस पे डिपेंड करता है, जल्दी से बताएगा, किस पे डिपेंड करता है, कमेंट करिएगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या। ठीक है, आसान है बच्चे, आंसर क्या है, ये किस पे डिपेंड करेगा? सभी पे डिपेंड करेगा, टेम्परेचर डिफरेंस क्या है, सरफेस जो है उसका नेचर क्या है, सरफेस कितना बड़ा है, तो इन तीन चीजों पे डिपेंड करता है। देखते हैं क्वेश्चन, राइट टू एजुकेशन जो है बिकम अ फंडामेंटल राइट इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर, बड़ा आसान क्वेश्चन है, कब? 2010 में, ठीक है, दिमाग पर रखिएगा 2010 में। चलिए देखते हैं कौन सा अमेंडमेंट हुआ था, ये मैं आपको बता चुका हूँ अमेंडमेंट कौन सा हुआ था, ठीक है, 21st ए में लाया गया था फंडामेंटल राइट के तौर पे, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट बायोस्फीयर रिजर्व ऑफ इंडिया, भारत का सबसे बड़ा बायोस्फीयर रिजर्व इसमें से कौन सा है, चारों में से, जल्दी से बताएगा, सबसे बड़ा बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है बच्चों? आसान है, गल्फ ऑफ मन्नार, जो पाकिस्तान, श्रीलंका और इंडिया के बीच में, किसके बीच में? श्रीलंका और इंडिया के बीच में गल्फ ऑफ मन्नार भारत का सबसे बड़ा बायोस्फीयर रिजर्व है, ठीक है, दिमाग पर रखिएगा, ठीक है जी, छोड़ेंगे इस क्वेश्चन को, ठीक है, आसान है। पवन कुमार चैमलिंग सिक्किम के चीफ मिनिस्टर, सब जन्मों जन्मांतर तक यही रहने वाले हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर डज नॉट फॉर्म द डेल्टा, ठीक है, डेल्टा कौन सा नहीं, तापी नदी जो है एस्चुरी बनाती है, तापी नदी क्या बनाती है बच्चों?
एस्चुरी बनाती है, तो इसलिए इसका आंसर क्या है बच्चों, ये एस्चुरी बनाती है तो इसका आंसर क्या है, तापी इसका आंसर है। ठीक है, हाँ भाई छोड़ेंगे इस क्वेश्चन को। लास्ट फाइनल जो क्वेश्चन है ना, जो मैं ये जो आपको करा रहा हूँ, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, इन क्वेश्चन को मैं इसलिए करा रहा हूँ कि आपका फाइनल रिविजन हो जाए, क्योंकि कल से आप मेरे थंबनेल पे भी देख सकते हो कि न्यू सीरीज लिखा हुआ मिलेगा, बिकॉज एक्चुअली मैं न्यू सीरीज स्टार्ट करा रहा हूँ। मैं कल से मेरी 3 वीडियो क्लास यूट्यूब क्लास होती है 5:30 बजे, बिल्कुल न्यू सीरीज पॉलिटी से स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, दिमाग में रखिएगा। हाँ भाई, 41st क्वेश्चन होता है, कमेटी ऑन ऑफिशियल लैंग्वेज कंसिस्ट ऑफ, आंसर क्या है बच्चों, 20। ठीक है, दिमाग में रखिएगा। इन विच ईयर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया केम इनटू फोर्स, भारत का जो सर्वोच्च न्यायालय है, सुप्रीम कोर्ट जो है, उच्चतम न्यायालय सॉरी, ठीक है, इसको कौन से वर्ष में बनाया गया, कौन से दिन बनाया गया, आसान है, 28 जनवरी 1950 में। कब? 28 जनवरी 1950 में बनाया गया। ठीक है, देखते हैं अगर क्वेश्चन इसी बात पे, इस क्वेश्चन का आंसर बताएगा। हाँ भाई, प्रसार भारती एक ऑटोनोमस बॉडी है, जिसमें क्या क्या चीज आते हैं, प्रसार भारती में कौन सी 3 चीजें आते हैं, कौन सी 2 चीजें आते हैं, जल्दी से बताएगा। प्रसार भारती का हिस्सा है, जल्दी से बताएगा, प्रसार भारती का हिस्सा कौन सा है? देखिए, ऑल इंडिया रेडियो और दूरदर्शन, ये दोनों के दोनों किसका हिस्सा है? ठीक है, ऑटोनोमस बॉडी है प्रसार भारती, जिसका हिस्सा है। ठीक है, दिमाग करेंगे, कौन सा? पहला ऑल इंडिया रेडियो और दूसरा दूरदर्शन। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्टिकल फिनोमिना इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ब्राइटनेस, डायमंड किसकी वजह से चमकता है? टोटल इंटरनल, कुल आंतरिक प्रतिबिंब जो है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, इसकी वजह से चमकता है। ठीक है, 2 स्ट्रैंड ऑफ डीएनए आर हेल्ड टुगेदर बाय, जल्दी से बताएगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या, क्वेश्चन नंबर 45 का आंसर क्या है? देखो, डीएनए के 2 स्ट्रैंड कुछ इस तरीके के बनते हैं। ठीक है, पूछा गया बच्चों, ये जो डीएनए के जो 2 स्ट्रैंड बन रहे हैं, वो किसकी वजह से स्ट्रॉन्ग है? तो दिमाग को रखिए, हाइड्रोजन बॉन्ड होता है इनके बीच में, एक में डबल होता है, एक में ट्रिपल होता है। देखते हैं क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। द डिवाइस यूज फॉर मेजरिंग द करंट, बड़ा आसान है, एमीटर यूज किया जाता है। व्हाट इज अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप, बच्चे कंपाउंड माइक्रोस्कोप क्या है, जल्दी से बताएगा। व्हाट इज अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप क्या है, कमेंट करेंगे इस क्वेश्चन का आंसर क्या। क्या है कंपाउंड माइक्रोस्कोप? माइक्रोस्कोप हुज लेंस आर कन्वेक्स। ठीक है, हमेशा दिमाग में रखना, कंपाउंड माइक्रोस्कोप के जो लेंस है वो क्या होते हैं बच्चों, कन्वेक्स होते हैं। ठीक है, दिमाग में कन्वेक्स होते हैं। एक और क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द नंबर ऑफ प्लेयर्स इन ईच साइड ऑफ चेस, आसान है। ठीक है, एक ही होता है एक साइड में, तो ठीक है दिमाग में रखें। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्टेड इन 1920 में नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को स्टार्ट किया गया था। देखते हैं एक और क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का आंसर बताएगा। ठीक है, स्कूबा ड्राइवर जो क्या बोलते हैं, पानी में अंदर तक गोताखोर जो होते हैं, पानी में जब अंदर तक जाते हैं तो उनके ना लंग्स फटने की दिक्कत होती है, क्योंकि यार अंदर जाके प्रेशर क्या हो जाता है, हाई हो जाता है। ठीक है, इस केस में क्या है बच्चों, कौन सा प्रिंसिपल लगता है? दिमाग करेगा, बॉयज फ्लो लगता है। कौन सा लगता है उसमें? बॉयज फ्लो लगता है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। चलिए देखते हैं एक और क्वेश्चन इस बात पे। ये अभी क्लास कितने बजे होगी? 10:30 बजे होगी। और कहाँ पे होती है अभी ये क्लास? अन अकेडमी पे होती है। डेली साइंस की थ्योरी होती है, स्पेशल थ्योरी। ठीक है, 10:30 बजे होगी। ठीक है, डेली 10:30 बजे जो होती है क्लास। ठीक है, दिमाग करेगा, होगी आज क्लास 10:30 बजे की। ठीक है, 10:30 बजे की क्लास आज भी होगी, दिमाग पे रखिएगा। द OH बॉन्ड इन CH3COH इज, कौन सा बॉन्ड होता है बच्चे? पोलर कोवेलेंट बॉन्ड होता है। ठीक है, OH बॉन्ड जो है CH3OH में जो है वो क्या है बच्चों? पोलर बॉन्ड है। ठीक है, दिमाग पर रखिएगा। डैश इज नॉट अ मोड ऑफ हिटरोट्रॉपिक न्यूट्रिएंट, बड़ा आसान क्वेश्चन है। हिटरोट्रॉपिक होता है कि किसी पे आधारित रहना। ठीक है, अब इसमें जो बोला कि नॉट अ हिटरोट्रॉपिक, तो यानी कि ऑटोट्रॉपिक होगा, तो ऑटोमेटिक वर्ड यूज कर सकते हैं। ठीक है, सिंपल सी बात है, जो हिटरोट्रॉपिक नहीं है तो वो ऑटोट्रॉपिक होता है, ऑटोट्रॉपिक मतलब ऑटोमेटिक हो गया। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखते हैं इसी बात में। आयशा डियर स्टार्ट हो जाएगा, जितने बच्चे देख रहे हैं मुझसे प्लस पे जुड़ने के लिए आप लाइव अमन रेफर कोड यूज कर सकते हैं। ठीक है, अन अकेडमी पे आप जुड़ने के लिए लाइव अमन रेफर कोड यूज कर सकते हैं, जितने बच्चे देख रहे हैं। ओशन करंट किसका एग्जाम्पल है बच्चे? कन्वेक्शन, संवहन का उदाहरण होता है। ठीक है, ओशन करंट आर द एग्जाम्पल ऑफ संवहन। ठीक है, दिमाग पर रखिए, किसका? कन्वेक्शन का उदाहरण होता है। विच हार्मोन हेल्प इन द सेपरेशन ऑफ लीव्स फ्लावर एंड फ्रूट्स, कौन सा हार्मोन है जिसकी वजह से, ठीक है, ये जितने भी क्या बोलते हैं लीफ, पत्तों की, फ्लावर्स की बात करें, फ्रूट्स की बात करें, ये सब अलग अलग हो जाते हैं किसकी वजह से? आंसर क्या बच्चे? आंसर क्या इसका? साइटोकिनिन। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मैं जो आपको अभी क्वेश्चन करा रहा हूँ बच्चे, ये क्वेश्चन वो है जो आपको आज फाइनली रिवाइज कर डालने हैं। ठीक है, क्योंकि आप इसके बाद न्यू सीरीज पढ़ोगे कल से, तो उसमें ये क्वेश्चन नहीं होंगे, तो आप भूल ना जाओ। तो मैं आपको बेस्ट क्वेश्चन आज रिवाइज करा दे रहा हूँ। ठीक है, और उसके बाद इसमें अन अकेडमी पे आप जुड़ सकते हैं, बाकी चीज़ों के लिए, एक्सप्लेनेटरी फॉर्म के लिए।
ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट भी जुड़ सकते हैं, 9 से 11 कराता हूँ। द सीरियस फॉल्ट इन द फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, देखो यार जो फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है ना, फेडरल फॉर्म में क्या दिक्कत है कि भैया स्टेट को भी पावर दी जाती है। अब स्टेट को पावर दी जाती है तो वो अलग भी हो सकती है ना, तो वो सेपरेट भी हो सकती है, अलगाववाद का खतरा, जैसे खालिस्तान का, पंजाब में खालिस्तान को अलगाववाद, कश्मीर में बोला जाता अलगाववाद, सेपरेटिज्म, ठीक है, सेपरेटिस्ट जो होते हैं, ठीक है, दिमाग करके जो राज्य को अलग करने की कोशिश करते हैं। शाह इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स इज लोकेटेड, कहाँ पे लोकेटेड है, जल्दी जल्दी देखा, शाह इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स कहाँ पे लोकेटेड है बच्चों, जल्दी से बताइएगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, कहाँ पे लोकेटेड है, आंसर क्या है इसका, वेस्ट बंगाल इसका आंसर है, ठीक है, वेस्ट बंगाल इसका आंसर है। नया क्वेश्चन था, रिवाइज करो, ऐसे ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं, ठीक है, दिमाग पर ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं, इस क्वेश्चन का आंसर बताएगा क्या, इस क्वेश्चन का आंसर ये हो गया, ठीक है। चलिए, अंडर कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी जो है किसकी नेतृत्व में बनी थी, आंसर क्या है, आचार्य नरेंद्र देव बोस और पीसी जोशी, इन दोनों के नेतृत्व में क्या बनी थी, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी बनी थी, ठीक है, कांग्रेस की जो समाजवादी पार्टी है, ठीक है। द सरफेस ऑफ द अर्थ इज टेकन टू बी एस, कैसा होता है सरफेस जो है अर्थ का, वो हमेशा क्या होता है, जीरो पोटेंशियल, ठीक है, हमारे अर्थ का जो पोटेंशियल है सरफेस का वो जीरो माना जाता है, क्या माना जाता है बच्चे, जीरो माना जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अ बॉडी अब्सॉर्ब मैक्सिमम अमाउंट ऑफ हीट व्हेन इट इज, मैंने आपको बता रखा है कि अगर एक बॉडी बहुत ज्यादा हीट अब्सॉर्ब कर रही है तो वो या तो ब्लैक होगी, पहली बात तो ये, दूसरा ब्लैक में भी रफ होगी, ठीक है, और बेटर अब्सॉर्प्शन होगी, तो ब्लैक और रफ इसका आंसर है, ठीक है, दिमाग में रखिए इस क्वेश्चन का आंसर। सवाल देखिएगा, इस क्वेश्चन का आंसर बताएगा, एक व्यक्ति है जो सिर्फ चावल खा रहा है, ठीक है, और आलू खा रहा है, चावल और आलू खाने में बिजी है, उसके अलावा उसने कुछ कंज्यूम नहीं किया, तो उसको बेसिकली कौन सी डेफिशिएंसी होने वाली है, ठीक है, क्योंकि अगर वो राइस और पोटैटो खा रहा है तो कार्बोहाइड्रेट की डेफिशिएंसी तो होगी नहीं, ठीक है, फैट की डेफिशिएंसी नहीं होगी आलू की वजह से, लेकिन प्रोटीन की डेफिशिएंसी फुल होगी, ठीक है, तो आंसर क्या, प्रोटीन इसका आंसर है, प्रोटीन की डेफिशिएंसी पक्का होगी, किसकी, प्रोटीन की डेफिशिएंसी पक्का होगी, ठीक है, आसान क्वेश्चन है, एक और क्वेश्चन देखते हैं इस क्वेश्चन आंसर। IDBI जो इंटरनेट, जो हमारे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक है, ये IDBI क्या है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, ठीक है, बैंक है ऑफ इंडिया, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, ये कब बनाया गया था हमारे देश में, जल्दी से बताएगा, आज के टाइम पे इसका NPA बहुत ज्यादा है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट जो है बहुत ज्यादा है, आंसर क्या, IDBI कब बनाया गया था, आंसर है July 1964, आज के टाइम पे इसके स्टेक LIC के पास है, ठीक है, वैल्यू ऑफ फ्लोवर किसे कहा जाता है, कमेंट करिएगा, वैल्यू ऑफ फ्लोवर किसे कहा जाता है, जल्दी से बताइए, वैली ऑफ फ्लोवर किसे कहा जाता है बच्चों, उत्तराखंड को कहा जाता है, बहुत प्यारे लोकेशन है उत्तराखंड, आपको पता ही है, ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर। मैतूर डैम कौन सी नदी पर स्थित है, मैतूर डैम कौन सी नदी पर स्थित है, कमेंट करेगा इस क्वेश्चन का आंसर, हाँ भाई मैतूर डैम कौन सी नदी पर स्थित है, सिचुएटेड ऑन विच रिवर, आंसर क्या है बच्चों, कावेरी नदी पर मैतूर डैम है, ऐसे जैसे रिहान डैम हो गया, मैतूर डैम हो गया, ये सब डैम के ऊपर बहुत क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, दिमाग करेगा, बहुत क्वेश्चन आते हैं ऐसे डैम पे, चलिए देखते हैं क्वेश्चन। ये कंप्लीट SSC का रिवीजन कोर्स स्टार्ट कराया मैंने, ठीक है, जिसको आप लाइव अमन के थ्रू यूज कर सकते हो, बाकी किसी भी अनअकैडमी कोर्स में आप लाइव अमन को यूज कर सकते हो रेफर कोड को डिस्काउंट के लिए। द ब्रांड नेम टेफ्लून रिप्रेजेंट विच पॉलीमर, जल्दी से बताइएगा, जो ब्रांड नेम टेफ्लून है वो कौन से पॉलीमर को रिप्रेजेंट करता है, जल्दी से कमेंट करेगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या, ठीक है, जल्दी से रिप्रेजेंट करेगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या, आंसर क्या बच्चे, इसका आंसर है पॉलीटेट्रा, ठीक है, टेफ्लोन जो है किसको रिप्रेजेंट करता है, पॉलीटेट्रा फ्लोरोइथाइलिन को, किसको, पॉलीटेट्रा फ्लोरोइथाइलिन को रिप्रेजेंट करता है, देखते हैं क्वेश्चन से बात पे। एंड वाटर फ्रीज इट डेंसिटी, यार जब कोई चीज बर्फ ही बन जाएगी तो उसकी डेंसिटी ऑटोमेटिकली डिक्रीज होगी, ठीक है, क्योंकि बर्फ क्या होता है, डेंसिटी कम होती है उसकी पानी में, इसलिए वो तैर जाती है, ठीक है, आंसर क्या बच्चे, डिक्रीज इसका आंसर है, ठीक है, दिमाग पर रखिएगा, डेंसिटी डिक्रीज होगी, वाटर फ्रीज अगर होता है तो उसकी डेंसिटी डिक्रीज होगी। श्रीलंका को आजादी कब मिली थी, जल्दी से बताइए, श्रीलंका को आजादी कब मिली थी, जल्दी से बताएगा, तन्मय भाई टाइम पे आया करो, दिमाग में रखना, अपनी YouTube क्लासेस के टाइमिंग जो है ना 5:30 सुबह 6 बजे क्लास होती है, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हद से ज्यादा इंपॉर्टेंट, उसके बाद 5:30 बजे क्लास होती है, ठीक है, न्यू सीरीज पॉलिटिक यहाँ पे कल से स्टार्ट, ठीक है, 8:30 बजे बायोलॉजी चल रहा है, उसको मैं कभी चेंज नहीं करूंगा अभी, ठीक है, 9:30 बजे लाइव टेस्ट 100 क्वेश्चन का, ऑल न्यू 100 क्वेश्चन, ठीक है, ऑल न्यू 100 क्वेश्चन, ठीक है, दिमाग पर रखेगा,
चलिए, व्हेन डिड श्रीलंका गेन इट्स इंडिपेंडेंस, तो ये चार यूट्यूब क्लासेज है जिसको आपको देखना है, ठीक है, दिमाग पर रखिएगा। श्रीलंका को इंडिपेंडेंस कब मिली बच्चे, जल्दी से बताएगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, श्रीलंका को इंडिपेंडेंस कब मिली कमेंट करेगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या, ठीक है, आसान है। श्रीलंका को इंडिपेंडेंस कब मिली थी इसका दिमाग में रखना, शेड्यूल इंपॉर्टेंट है, 4 फरवरी 1948, ठीक है। अब बॉन्ड ट्रांसफर अगर इलेक्ट्रॉन का हुआ है तो कौन सा बॉन्ड बनेगा, जल्दी से बताएगा, आयोनिक बॉन्ड बनता है ट्रांसफर होने से, ठीक है, दिमाग पर रखिएगा, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से कौन सा बॉन्ड बनेगा बच्चों, आयनिक बॉन्ड बनता है, ठीक है, कौन सा, बिल्कुल राकेश, मैं डैम के ऊपर बना दूंगा, सुबह 6 बजे वीडियो आ जाएगी आपके लिए डैम के ऊपर। जो बच्चा मुझे कोई ऐसा बताता है कि सर इसके ऊपर वीडियो बना दो, उसके ऊपर वीडियो बना दो, डेफिनेटली वो आपको सुबह 6 बजे मिल जाएगी। इवन आई नीड द आइडिया कि आपको बच्चों किस चीज पे वीडियो चाहिए, तो डेफिनेटली 6 AM की वीडियो जिस पे चाहिए आप कमेंट बॉक्स पे लिख सकते हो। द फिनोमिना ऑफ चेंज इन डायरेक्शन ऑफ लाइट व्हेन इट पासेस फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर, ठीक है, बड़ा आसान है। रिफ्रैक्शन होता है कि एक मीडियम से दूसरे मीडियम पे जाते हुए लाइट का अगर डायरेक्शन चेंज होता है उसे हम रिफ्रैक्शन कहते हैं। हाँ भाई, नाइट्रोजन की डिस्कवरी रदरफोर्ड के द्वारा की गई थी। भैया तो फॉलोइंग रिएक्शन इज द मेन कॉज ऑफ एनर्जी रेडिएशन, देखो यार एनर्जी रेडिएशन जो सन की होती है वो फ्यूजन की वजह से होती है, ठीक है, किसकी वजह से, फ्यूजन की वजह से होती है, ठीक है, एनर्जी रेडिएशन सन की, ठीक है, देखते हैं एक क्वेश्चन, व्हाट वाज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ सल्तनत, ठीक है, सल्तनत की ऑफिशियल लैंग्वेज पर्शियन थी, देखते हैं एक क्वेश्चन। हाँ भाई ये आसान क्वेश्चन है, ठीक है, 26 जनवरी 1950 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने एक स्टेडियम में नेशनल फ्लैग, ठीक है, फहराया था, और वो जो नेशनल फ्लैग जो स्टेडियम में फहराया गया था उस स्टेडियम को क्या कहा जाता है बच्चों, इरविन स्टेडियम, ठीक है, उसे क्या कहा जाता है, इरविन स्टेडियम कहा जाता है। देखते हैं एक क्वेश्चन की बात पे, द हेडलैंड इन द सी, एक सी में, एक समुद्र में, ठीक है, जो हेडलैंड होता है उसे हम क्या कहते हैं बच्चे, उसे हम कहते हैं पेनिनसुला, प्रायद्वीप, ठीक है। हमारा जो ओशियन है, हमारा जो इंडियन ओशियन है उसके ऊपर है इंडिया इस तरीके से, तो ये प्रायद्वीपीय एरिया है क्योंकि इसका ये सी का हेड ही है, ये सी का हेड है, ओशियन का हेड है इसलिए, ठीक है। आर्टिकल 14 बच्चों, आर्टिकल 14 क्या प्रोवाइड करता है कमेंट करिएगा इस क्वेश्चन का आंसर, आर्टिकल 14 क्या प्रोवाइड कराता है जल्दी से बताइएगा। हाँ भाई आंसर क्या है, आंसर क्या है बच्चों, इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, दोनों के दोनों प्रोवाइड कराता है। चलिए देखते हैं, ठीक है, व्हाट इज द नंबर ऑफ प्लेयर्स इन ईस्ट साइड ऑफ कैरम, एक या दो, ठीक है, दो भी बैठ जाते हैं कभी कभी, ठीक है, तो इस साइड से खेल, मैं इस साइड से खेलता। ड्यूरिंग फूड डाइजेशन फूड एंटर्स इन टू द एलिमेंट्री, देखो जो हम ये जो फूड एंटर होता है हमारे माउथ से एलिमेंट्री कलान में, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इंजेशन, ठीक है, अंतर्ग्रहण कहते हैं इसे, ठीक है, क्या कहा जाता है, अंतर्ग्रहण कहा जाता है। ये हो गया क्वेश्चन, ठीक है, चलिए देखते हैं, सलीम अली फेमस बर्ड सेंचुरी कहाँ पे लोकेटेड है, बड़ा आसान है, ठीक है। देखो अब बच्चे कहेंगे कि बच्चों उसका आंसर जम्मू कश्मीर है, दिमाग पर रखिएगा, सलीम अली फेमस बर्ड सेंचुरी की बात हो रही है, डेट इज सलीम अली नेशनल पार्क है वो जम्मू कश्मीर, ठीक है, दिमाग पर रखिएगा। देखते हैं एक और क्वेश्चन, विच इज द हाइएस्ट लॉ ऑफ लैंड, जल्दी से, आसान है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारत का संविधान, ठीक है, बताइए, प्रोटेक्शन फ्रॉम द डबल जियोपराडे, देखो डबल जियोपराडे का आर्टिकल पूछा गया, डायरेक्टली पूछा गया भैया आर्टिकल क्या है डबल जियोपराडे का, जल्दी से बताएगा कि मतलब एक ही गुनाह के लिए दो बार सजा नहीं मिलनी चाहिए, उसका आर्टिकल क्या है, जल्दी से कमेंट करिएगा। आंसर क्या बच्चों, आर्टिकल 20 इसका आंसर है, ठीक है, आर्टिकल 20 इसका आंसर है। विच इज द लास्ट एपिलेट कोर्ट, सबसे आखिर में आप सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो, ठीक है, दिमाग पर रखेगा। तो फॉलोइंग कॉज इज द मोर बर्न, ठीक है, लेटेंट हीट होने की वजह से स्टीम हैज द मोर बर्न, ठीक है, भाप में ज्यादा गर्मी होती है, ठीक है, ज्यादा इंसान जल सकता है स्टीम से, ठीक है, दिमाग पर रखेगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन, क्वेश्चन का आंसर बताएगा क्या, इस क्वेश्चन का आंसर जल्दी से, ये मैराथन क्लास सुबह होगी बच्चों, दिमाग में रखना, 2 घंटे की मैराथन क्लास होगी। कल मैं आपको फुल फ्लेज पॉलिटी कराऊंगा, फुल फ्लेज पॉलिटी, ठीक है, रिविजन नहीं है, ये न्यू कंटेंट है, न्यू क्वेश्चन है, ठीक है, ठीक है, दिमाग करके, न्यू क्वेश्चन है सभी के सभी, 2 घंटे लगातार पॉलिटी होती है, कल सुबह होगी अन अकेडमी पर, आप सर्च करिए अन अकेडमी और अंदित शर्मा फॉलो कर लीजिए, बाकी टेलीग्राम चैनल पर सुबह लिंक मिल जाएगा, ठीक है, 9 से 11 का, ठीक है, बढ़िया तरीके से एक्सप्लेनेशन हो रही है, रीजन एक्सप्लेनेशन यहाँ पे आने का, ठीक है। राजमुंदरी इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ विच ऑफ द रिवर गोदावरी, ठीक है, दिमाग पर रखिए, राजमुंदरी कुछ चीज़ों के लिए फेमस भी है, ठीक है, दिमाग पर रखिए, ठीक है। चलिए करते हैं अपने सेशन को, एक और क्वेश्चन को, चलिए बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। हाँ, कौन सी कंट्री में नॉन रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, तो बच्चे यूके में है, ठीक है, नॉन रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, इन विच ईयर इंडियन रूप, छोड़ेंगे इस क्वेश्चन को। ऑक्टेंट रूट इज नॉट वैलिड फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल, कौन से
मॉलिक्यूल के लिए ऑक्टेट रूल जो है, ठीक है बच्चे, अभी 10:30 बजे क्लास होगी, 10:30 बजे रात को जो क्लास होती है ना वो होगी, साइंस की क्लास कभी मिस नहीं करता मैं, ये होगी, मैं आपको ये बता रहा हूं कि 10:30 के अलावा 9:00 बजे भी क्लास होगी, ठीक है, ये साइंस की क्लास है और वो जीके की क्लास है, ठीक है, ये 10:30 बजे साइंस की क्लास होगी। ऑक्टेट रूल कौन सा फॉलो नहीं करता, BF3 इज नॉट फॉलोइंग द ऑक्टेट रूल, चीफ सोर्स ऑफ नेप्थलीन, नेप्थलीन का चीफ सोर्स क्या है बच्चों, नेप्थलीन किसमें से मिलता है, क्वाल्टर में से मिलता है, किसमें से, क्वाल्टर में से मिलता है नेप्थलीन, ठीक है दिमाग पर रखिएगा, क्वाल्टर में से मिलता है नेप्थलीन, इस क्वेश्चन का आंसर बताएगा। विच इज द शॉर्टेस्ट कोस्टल स्टेट इन इंडिया, जल्दी से बताएगा सबसे शॉर्टेस्ट कोस्टल स्टेट कौन सी है इंडिया में से, कमेंट करेगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, आंसर क्या है इसका, आंसर क्या बच्चे, गोवा, गोवा इज द शॉर्टेस्ट कोस्टल, ठीक है गोवा सबसे छोटा, इत्तू सा तो है, हाँ भाई इसमें से कोई आंसर नहीं दे रहा, छोड़ेंगे इसको। डबल बोन्ड अक्कर्स इन, डबल बोन्ड किसमें है बच्चों, इसमें C2H4 में, ठीक है C2H4 में एल्कीन है, C2H4 क्या है, एल्कीन है, इस वजह से इस पे क्या है, डबल बोन्ड है। एक और क्वेश्चन देखिए इस क्वेश्चन का, दिमाग में रखिएगा, आपसे पूछा है कि कॉटन क्रॉप किसमें उगाई जाती है, तो ब्लैक सॉइल में, रेगुर सॉइल में उगाई जाती है, ठीक है दिमाग में रखिएगा। हु डिस्कवर्ड द लिंक बिटवीन इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म, किसने, जो मैक्सवेल है उनके द्वारा, ठीक है दिमाग में रखिएगा। एक और क्वेश्चन, विच डज द व्हील इन द नेशनल फ्लैग रिप्रेजेंट, जो जो हमारा जो नेशनल फ्लैग है उसमें जो व्हील है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, सत्य को, ठीक है दिमाग में रखिएगा, व्हील जो है किसको रिप्रेजेंट करता है, सत्य को। हाँ भाई बताइए इस क्वेश्चन का आंसर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेट्रोलियम रिफाइनरी प्रोडक्ट हैज द लोएस्ट बॉइलिंग पॉइंट, इन चारों में से किसका सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट है, कमेंट करेगा इन चारों में से सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट किसका है। बड़ा आसान क्वेश्चन है, लुब्रिकेंट ऑयल का सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट है, लुब्रिकेंट ऑयल का सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट है। देखते हैं एक और क्वेश्चन की बात पे, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वॉज अमेंडेड फॉर द फर्स्ट टाइम, भारत में जो भारत का संविधान है पहली बार अमेंड हुआ था 1951 में, कब 1951 में, ठीक है दिमाग पर रखे। एक और क्वेश्चन देखते हैं, पता इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, देखिए विच वन ऑफ द फॉलोइंग पॉलीमर, भाई सेशन को एक बार लाइक कर देना, बढ़िया तरीके से शेयर कर देना जिससे कि सभी आ सके, ठीक है विच वन ऑफ द फॉलोइंग, आज थोड़ी सी ना तबीयत सी खराब है, ठीक है सुबह से काम में लगे हुए हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पॉलीमर इज यूज फॉर मेकिंग द बुलेट प्रूफ मटीरियल, कौन सा, पॉलीकार्बोनेट्स को यूज किया जाता है, किसको बच्चे, पॉलीकार्बोनेट्स को यूज किया जाता है बुलेट प्रूफ मटेरियल्स को बनाने के लिए। चलिए देखते हैं, ठीक है दिमाग पर रखिएगा। विच कप इज एसोसिएटेड विद हॉकी, हॉकी से कौन सा कप एसोसिएटेड है, आगा खान कप जो है हॉकी से एसोसिएटेड है। हु वाज द फर्स्ट वुमन टू क्लाइम द माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने वाली सबसे पहली महिला कौन सी थी, कमेंट करेगा, ठीक है PDF टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, करंट अफेयर वाली, ठीक है अमन सर वाईफाई स्टडी ऑफिशियल पे आपको PDF मिल जाएगी, ठीक है दिमाग पर रखेगा, PDF आपको इसमें मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पे, ठीक है दिमाग पर रखेगा। चलिए करते हैं एक और क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का आंसर बताएगा जुंको तैबे, इसका आंसर है बच्चे वुमेन सबसे पहली जो माउंट एवरेस्ट पे पहुंची थी तो जुंको तैबे, ठीक है दिमाग पर रखेगा। मोस्ट ऑफ द चोला टेम्पल्स, जो चोला मंदिर हैं अधिकांश किस पर समर्पित हैं, तो शिवा भगवान, शिव भगवान को समर्पित है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ नेचुरल पॉलीमर, बताइए इसमें से कौन सा नेचुरल पॉलीमर है, सेलुलोज इज अ नेचुरल पॉलीमर। द रियून ऑफ हड़प्पा, देखो सवाल ये पूछा गया कि भैया हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो की जो रियून्स हैं, मतलब वेस्ट जितनी भी चीज़ें हैं, ठीक है अवशेष जो हैं, ये कौन सी नदी पे, यार हड़प्पा रावी नदी पे, मोहनजोदाड़ो इंडस पे, तो ए और बी इसका रिस्पेक्टिवली आंसर होना चाहिए। चलिए आंसर भी यही है, ठीक है दिमाग पर, ए और बी इसका आंसर। चलिए देखते हैं एक और क्वेश्चन इसी बात पे, चलिए विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर फ्लो फ्रॉम द साउथ टू द नॉर्थ, साउथ से नॉर्थ की तरफ कौन सा सोन नदी, ठीक है रिहान डैम इस पे है, ठीक है दिमाग पर रखे। विच इज द नेशनल गेम ऑफ द यूनाइटेड स्टेट, बेसबॉल इज द नेशनल गेम ऑफ यूनाइटेड स्टेट। द रन उत्सव इज अ फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन, रन उत्सव जो फेस्टिवल है वो कहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है, बड़ा आसान है गुजरात, कभी दो दिन तो गुजारो गुजरात में, ऐसा अमिताभ बच्चन का कहना है, ठीक है तो हम चार दिन गुजार लें अगर हमें टाइम मिले तो। हु अमंग द फॉलोइंग वाज इन्वॉल्व्ड इन अलीपुर बॉम्ब कॉन्स्पिरेसी, जल्दी से बताएगा कौन से ऐसे व्यक्ति थे जो कि अलीपुर बॉम्ब कॉन्स्पिरेसी जो है उसमें इन्वॉल्व थे, कमेंट करके इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। अच्छा आसान है क्वेश्चन,
आसान है क्वेश्चन, क्वेश्चन का आंसर क्या है, अलीपुर बॉम्ब कॉन्स्पिरेसी में कौन इन्वॉल्व थे बच्चों, अरविंद घोष, ठीक है, अरविंद घोष ही वॉज अ एक्सट्रीमिस्ट, ठीक है, गरम दल के नेता, ठीक है, जो कि इन्वॉल्व थे। वट इज द कैपिटल ऑफ नागालैंड, नागालैंड की कैपिटल क्या है बच्चों, कोहिमा है, फेमस है, ठीक है, जो हॉर्नबिल फेस्टिवल होता है कोहिमा उससे संबंधित है। हु हैड बीन गिवन द निकनेम यंग तर्क, यंग तर्क जो नाम है किसको दिया गया बच्चे, जल्दी से बताएगा, यंग तर्क जो नाम है ये किसको दिया गया, कमेंट करिएगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, किसको दिया गया यंग तर्क नाम, कमेंट करिएगा ये यंग तर्क नाम किसके लिए है, आसान है, ठीक है, यंग तर्क की अगर मैं बात करूँ तो बच्चे चंद्रशेखर आजाद को दिया गया, बैट इज अ मैमल, ठीक है, NaCl हैज आयनिक बोन इन इट, ठीक है, द हेड मिरर यूज इन द ENT जो डॉक्टर्स होते हैं, ठीक है, वो हेड जो मिरर यूज करते हैं आपने क्या बोलते हैं हेड पे लगाते हैं, ठीक है बच्चे, तो वो कौन सा मिरर होता है, बड़ा साइज दिखाई देना चाहिए तो उसके लिए कौन सा मिरर होता है, कनकेव मिरर होता है, ठीक है, दिमाग पर है, कनकेव मिरर, कौन सा कनकेव मिरर होता है उसके लिए, चलिए देखते हैं ग्रुप क्वेश्चन, क्वेश्चन आंसर देगा, इथाइलिन का स्ट्रक्चर क्या है, इथाइलिन को यूज किया जाता है ना पॉलीमर बनाने के लिए, तो वो लीनियर स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, इथाइलिन का स्ट्रक्चर क्या बच्चे, लीनियर स्ट्रक्चर, ठीक है, दिमाग पर रखिए, लीनियर स्ट्रक्चर है, एक और क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है, एक और क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का आंसर बताएगा, इथाइलिन इज अ, ठीक है, इथाइलिन कैसा मोलिकुलर है, नॉन पोलर मोलिकुलर है, ठीक है, दिमाग पर रखिएगा, गैर ध्रुवीय, ठीक है, अध्रुवीय भी कह सकते हैं, ठीक है, नॉन पोलर मोलिकुलर, हाँ भाई, मेलबाइसिन इज यूज इन द एरेडिकेशन ऑफ, मेलबाइसिन किसको एरेडिकेट करने के लिए, एग्रीकल्चर पेस्ट, कृषि कीट जो होते हैं ना उनको, ठीक है, रिमूव करने के लिए, इरेडिकेट करने के लिए यूज किया जाता है, ठीक है, दिमाग पर रखिएगा, उनको इरेडिकेट करने के लिए यूज किया जाता है, क्लियर, इज इक्वल टू यस, क्लियर इज इक्वल टू यस, ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन, व्हाट इज द मोड ऑफ CISF, ठीक है, प्रोटेक्शन एंड सिक्योरिटी, ठीक है, प्रोटेक्शन, सेंट्रल इंडस्ट्रियल जो है, ठीक है, सेंट्रल इंडस्ट्रियल जो फोर्सेज हैं उनका जो मोटो है वो क्या है बच्चे, प्रोटेक्शन एंड सिक्योरिटी है, ठीक है, जॉर्ज लमाइटर इज रिलेटेड विद, जॉर्ज लमाइटर बिग बैंग थ्योरी से संबंधित है, किससे, बिग बैंग थ्योरी से रिलेटेड है, ठीक है, दिमाग पर, जॉर्ज लमाइटर इज रिलेटेड टू बिग बैंग थ्योरी, ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन, वॉशिंग सोडा इज अ कॉमन नेम विच ऑफ द फॉलोइंग, जल्दी से बताइए, वॉशिंग सोडा किसका कॉमन नेम है, सोडियम कार्बोनेट का कॉमन नेम है, वॉशिंग सोडा किसका कॉमन नेम है, सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है, नमस्कार भाई, गुड इवनिंग जो बच्चा आ रहा है, ठीक है, ठीक है, आंसर क्या है बच्चे इस क्वेश्चन का, सोडियम कार्बोनेट, ठीक है, निधि परिधान और आदिवास इंपॉर्टेंट है, ये आर्यंस के कुछ वस्त्र के प्रकार हैं, ठीक है, दिमाग पर रखिएगा, चलिए क्या है, डिफरेंट टाइप ऑफ गारमेंट्स ऑफ आर्यंस, ठीक है, देखते हैं और क्वेश्चन इसी बात पे, ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज नॉट इंक्लूडेड इन कमांडिंग मिलिट्री एक्सरसाइज, देखो भारत इसका हिस्सा नहीं है, अमेरिका फिलीपींस और जापान के बीच में ये होता है, ठीक है, दिमाग पर रखिएगा, अमेरिका फिलीपींस और जापान के बीच में ये एक्सरसाइज होती है, ठीक है, चलिए देखते हैं एक और क्वेश्चन इसी बात पे, इस क्वेश्चन का आंसर बताएगा, द डायरेक्शन फ्लो ऑफ हीट बिटवीन एनी टू सिस्टम डिपेंड्स ऑन, कि जब डायरेक्शन हीट का जो डायरेक्शन है ना कि एक जगह से दूसरी जगह जाएगी वो किस पे डिपेंड करता है, कि उन दोनों के बीच में जो तापमान है उसमें क्या है, कितना तापमान, इंडिविजुअल टेम्परेचर कितना है, तापमान कितना है उस पर डिपेंड करता है, उनका अलग अलग तापमान कितना है उस पर डिपेंड करता है, ठीक है, कल क्लास होगी 5:30 बजे, ऑल न्यू क्लास 5:30 बजे, दिमाग में रखना, पूरी क्लास 5:30 बजे जो होगी वो न्यू क्लास होगी, बिल्कुल पॉलिटी की क्लास से स्टार्ट करा रहा हूँ, ठीक है, दिमाग में रखिएगा, जुड़िएगा 5:30 बजे, द एरिया मार्क बाय द इंटरनल ड्रेनेज, इंटरनल ड्रेनेज किसमें होती है, डेजर्ट में, ठीक है, रेगिस्तान के एरिया में इंटरनल ड्रेनेज होता है, ठीक है, दिमाग में रखिएगा, इंटरनल ड्रेनेज होता है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन इसी बात पे, हो गया ये क्वेश्चन, ठीक है, चारों पे डिपेंड करता है, हाँ, मोशन ऑफ अ बॉडी अराउंड अ सर्कुलर पाथ, सर्कुलर पाथ में जो मोशन होता है बॉडी का उसको हम किसका एग्जांपल, ठीक है, बताएगा वो किसका एग्जांपल है, कमेंट करिएगा, मोशन जो है सर्कुलर पाथ में कौन सा मोशन होता है, जल्दी से बताएगा क्या है इसका आंसर, यूनिफॉर्म स्पीड एंड वेरिएबल वेलोसिटी, ठीक है, यूनिफॉर्म स्पीड एंड वेरिएबल वेलोसिटी का एग्जाम्पल है, ठीक है, सर्कुलर मोशन जो होता है यूनिफॉर्म स्पीड और वेरिएबल वेरी, ठीक है, वेलोसिटी का एग्जाम्पल है, हु इज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ CRPF, PV सिंधु है, ठीक है, दिमाग पर रखिएगा, CRPF सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स की जो ब्रांड एम्बेसडर वो है PV सिंधु, द हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन इज स्टेबलाइज बाय, जल्दी से बताएगा, हेलिकल स्ट्रक्चर जो प्रोटीन का है किससे स्टेबलाइज होता है, जल्दी से बताएगा, अभी बताया था दोबारा वो, ये DNA हो या प्रोटीन हो हाइड्रोजन स्टेबलाइज करता है, DNA हो या प्रोटीन हो हाइड्रोजन स्टेबलाइज करता है, जल्दी देखते हैं और क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग पेनिनसुलर इंडियन रिवर डज नॉट मीट विद द अरेबियन सी,
अरेबियन सी इस तरफ जा रहा है, कावेरी बे ऑफ बंगाल की तरफ जाती है, तो आंसर बी है। ठीक है, वो इन्वेंटेड स्पेस पैन किसके द्वारा, पॉल फिशर के द्वारा इन्वेंट किया गया स्पेस पैन। ठीक है, स्पेस पैन किसके द्वारा, पॉल फिशर के द्वारा इन्वेंट किया गया। चलिए देखते हैं क्वेश्चन की बात पे। हाँ भाई, दिल्ली से, दिल्ली को राजधानी घोषित किया गया था कब, दिल्ली को राजधानी कब घोषित किया गया था, दिमाग में रखिएगा, दिल्ली को राजधानी 1911 का जो दिल्ली दरबार लगा था उसमें। ठीक है, दिल्ली दरबार जो लगा था उसमें। एक और क्वेश्चन, ग्रेन अल्कोहल इज द कॉमन नेम, किसका कॉमन नेम है, ग्रेन अल्कोहल किसका कॉमन नेम है, कमेंट करेगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। किसका कॉमन नेम है बच्चों, इथाइल, ग्रेन इज इक्वल टू गुड और गुड इज इक्वल टू इथाइल। ठीक है, आपको बता रखा है, ठीक है, दिमाग में रखिएगा। चलिए, महाबोलिस पीसी महालोबिस फादर ऑफ स्टैटिस्टिक 28 फरवरी। ठीक है, अब इन्होंने कौन से फाइव ईयर प्लान में अपना मॉडल दिया था, तो सेकंड फाइव ईयर प्लान में इन्होंने अपना मॉडल दिया था, पीसी महालोबिस। ठीक है, फादर ऑफ स्टैटिस्टिक कहा जाता है इन्हें। चलिए देखते हैं क्वेश्चन। हाँ भाई, राज जो जवाहर रोजगार योजना है वो कब स्टार्ट हुई थी, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, अप्रैल 1918 स्किप कर सकते हैं इसको। दिस इज द ओनली सेंचुरी वेयर कश्मीरी डियर्स आर फाउंड, दचिगम है जहाँ पे कश्मीरी डियर पाए जाते हैं। ठीक है, दिमाग पर रखिएगा, डियर, कश्मीरी डियर कहाँ पे पाए जाते हैं, ठीक है, दचिकम में, दचिकम में। ठीक है, दिमाग में रखिए। एक और क्वेश्चन देखते हैं, कौन सी ऐसी स्टेट है भारत की पहली जिसमें प्रोजेक्ट्स को डिजिटलाइज किया गया, जल्दी से बताएगा आंसर क्या, उत्तर प्रदेश में डिजिटलाइज किया गया है। ठीक है, दिमाग में रखिएगा क्वेश्चन नंबर। 2 घंटे की मैराथन कल होगी, दिमाग में रखिएगा, सुबह सुबह 9 से 11 पॉलिटी की मैराथन कराऊंगा। ठीक है, दिमाग में रखिएगा। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर बता, द यूनिफिकेशन ऑफ कर्नाटका वाज अचीव्ड इन द ईयर, जो यूनिफिकेशन है कर्नाटका का, जो एकीकरण किया गया था वो कौन से वर्ष में, 1956 में। ठीक है, 1956 में एकीकरण किया गया था। ठीक है, दिमाग में रखिएगा, आसान है। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं, साइड मिरर ऑफ व्हीकल्स आर ऑफ साइज, छोटा होना चाहिए, तो उसी के लिए उसका आंसर जो है कन्वेक्स मिरर इसका आंसर है। ठीक है, देखते हैं। हाँ भाई, ये हो गया क्वेश्चन, व्हाट इज द सेक्स रेशियो ऑफ इंडिया, इंडिया का सेक्स रेशियो है 943, यानी कि 1000 मेल पर 943 फीमेल्स जो है उनका बर्थ होता है। ठीक है, तो सेक्स रेशियो उसी से डिफाइन होता है। द बेसिक स्ट्रक्चर जो है कि संविधान का एक मूल अधिक क्या बोलते हैं संरचना है, वो सर्वोच्च न्यायालय ने कब कहा था कि भैया, कौन से केस में बोला था कि बेसिक स्ट्रक्चर होता है कॉन्स्टिट्यूशन का, केशव नंद भारती केस है जो, इसमें उन्होंने बोला था कि भैया संविधान का एक मूल जो है संरचना होती है, बेसिक स्ट्रक्चर हम जिसे कहते हैं, केशव चंद्र भारती केस में। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन, हु स्टैच्यू वॉज एन इंपॉर्टेंट क्रिएशन ऑफ द पीपल ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, जल्दी से बताएंगे, इंडस वैली सिविलाइजेशन की इंपॉर्टेंट क्रिएशन है। ठीक है, डांसिंग गर्ल जो है, ठीक है, वो इंडस वैली सिविलाइजेशन में पाई गई। ठीक है, एटीएम का कंप्लीट फॉर्म है ऑटोमेटेड टेलर मशीन। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट थ्रेट टू द टाइगर पॉपुलेशन ऑफ इंडिया, इसमें से कौन सा टाइगर पॉपुलेशन के लिए नुकसानदायक नहीं होगा, खतरनाक नहीं होगा, जल्दी से बताएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द थ्रेट टू द टाइगर पॉपुलेशन ऑफ इंडिया, जल्दी से बताएगा आंसर क्या बच्चे इस क्वेश्चन का। अभी जितने भी बच्चे देख रहे हैं इस चीज को दिमाग में रखना, अभी अपनी क्लास होगी 10:30 बजे, कितने बजे, 10:30 बजे क्लास होगी, साइंस की क्लास होगी, बढ़िया तरीके से साइंस को पढ़ेंगे, एक नया टॉपिक करेंगे आज की साइंस की क्लास में। 10:30 बजे वाली क्लास का लिंक टेलीग्राम चैनल अमन सर वाईफाई स्टडी ऑफिशियल पे हमेशा मिलता है, आज भी अपनी क्लास है तो आज भी इसी में आपको लिंक मिल जाएगा। ठीक है, दिमाग में रखिएगा। अब पूछा जा रहा है कि भैया देखो, वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर अगर बनाएंगे तो ये तो अच्छी बात है ना, ठीक है, वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर अगर बनाएंगे तो ये तो अच्छी बात है ना, तो आसान है आंसर क्या है कि बच्चों इससे तो कोई नुकसान होगा नहीं। ठीक है, इससे तो कोई नुकसान होगा नहीं। एक और क्वेश्चन देखते हैं, देखो पहले अभी हमने ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन का किया था तो हमारा आयनिक बॉन्ड था, अब कह रहा है शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, अब आंसर क्या होगा, जल्दी से बताएगा, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन आंसर क्या होगा, ठीक है, आंसर क्या है, आंसर क्या बच्चे, आज हम पढ़ेंगे केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, और साथ के साथ हम बहुत सारी ऐसी चीजें पढ़ेंगे जो हम डेली लाइफ में केमिस्ट्री की यूज करते हैं लेकिन हमें उसका क्वेश्चन नहीं पता चलता, लेकिन आज पता चल जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन क्या क्या आता है, ठीक है, आंसर क्या है, कोवेलेंट बॉन्ड इसका आंसर है, और बहुत ज्यादा फैक्चुअल डिटेल है आज के क्लास में, डेट इज वेरी मच रिक्वायर्ड, एग्जाम में क्वेश्चन अगर आ गया तो वो फैक्चुअल डिटेल के बिना काम नहीं होगा। 10:30 बजे वाली क्लास में, आज की जो 10:30 बजे वाली क्लास में बहुत ज्यादा फैक्चुअल डिटेल्स हैं जो कि आपके एग्जाम में 100% आती है, 100% आने वाली चीजें हैं,
तो मैं आपको आज कराऊंगा, रिवाइज भी हो जाएगा, कुछ चीजें याद भी हो जाएंगी, कुछ चीजें नई भी होंगी। तो 10:30 बजे क्लास जरूर देखिएगा, टेलीग्राम चैनल पे लिंक आ जाएगा, ठीक है, दिमाग पर रखिएगा। ठीक है, कॉन्टेंट मेंबर कितने हैं बच्चों? 245 मेंबर है, ठीक है। हाल फिलहाल में अभी बोला तो कितने मेंबर हुए? 245 मेंबर है, ठीक है, दिमाग पर रखिएगा। चलिए देखते हैं एक और क्वेश्चन से बात पे, किसके? राज्यसभा की, जिसमें 1200 है नॉमिनेट किए जाते हैं, 12 नॉमिनेट किए जाते हैं। चलिए देखते हैं, जो प्लास्टिक बोटल्स होती है ना उसको ना एक पॉलीमर से बनाया जाता है, और नाम क्या है? पेट। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार रिवाइज करा रहा हूँ, बिकॉज ये क्वेश्चन आपके आने लायक है पेपर में, ठीक है, दिमाग रहेगा। इस क्वेश्चन का आंसर बताइए, क्या है इस क्वेश्चन का आंसर? पेट की फुल फॉर्म क्या है? आसान है, देखो ये जो प्लास्टिक बोतल पेट पॉलीमर से बनती है, जिसके बोलने में पॉली इथाइलिन टेट्रापथाइलेट, क्या? पॉली इथाइलिन टेट्रापथाइलेट, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, बड़ा आसान है। देखिए पॉली इथाइलिन टेट्रापथाइलेट इसका आंसर। चलिए देखते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड का एग्जांपल बताओ, जल्दी से बताओ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड? कमेंट करिएगा कौन सा कोवेलेंट बॉन्ड का एग्जांपल है, जल्दी से बताइएगा। आंसर क्या बच्चे? कोवेलेंट बॉन्ड का इसमें से एग्जांपल है ये CHCl थी, ठीक है। जो अपना लाइव टेस्ट होता है ना, एग्जैक्टली जो मंडे टू फ्राइडे लाइव टेस्ट होता है, मंडे से फ्राइडे जो लाइव टेस्ट होता है बच्चों, वो होता है 9:30 बजे, ठीक है, 9:30 बजे, ठीक है। आज जैसे 9 बजे हुआ है, लेकिन एग्जैक्टली मंडे से फ्राइडे डेली 9:30 बजे होता है, और डेली 100 क्वेश्चन होते हैं। लेकिन अब इसमें नई बात क्या है कि मैं इसमें नई सीरीज करा रहा हूँ, ठीक है, नई सीरीज लेके आने वाला हूँ, तो नए क्वेश्चन होंगे सारे। अब कल से जो 9:30 बजे लाइव टेस्ट होगा उसमें सभी में नए क्वेश्चन होंगे, 100 क्वेश्चन, 9:30 बजे 30 मिनट में 100 क्वेश्चन का टारगेट है, जो कि मैं डेली कराता हूँ, ठीक है, दिमाग पर रखिए। इसका आंसर CCL3 है, ठीक है। द वर्ड सत्यमेव जयते हैज बीन टेकन फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग उपनिषद? कौन से उपनिषद में से सत्यमेव जयते, तो ये जो शब्द है लिया गया है। आंसर क्या बच्चे, जल्दी से बताइएगा, सत्यमेव जयते, तो ये जो शब्द है ये कौन से उपनिषद में से लिया गया है? मुंडक उपनिषद में से लिया गया। किस में से? मुंडक उपनिषद में से इसे लिया गया, ठीक है, दिमाग पर रखिएगा। हाँ भाई, रग्बी फुटबॉल जो है उसमें कितने प्लेयर होते हैं? कमेंट करेगा, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना अभी 10:30 बजे वाली क्लास के लिए, और सुबह 9 से 11 जो क्लास होगी, ठीक है, उसके लिए भी, ठीक है। बताइए रग्बी जो है फुटबॉल उसमें कितने प्लेयर होते हैं, जल्दी से बताइए, रग्बी फुटबॉल में कितने प्लेयर होते हैं? कमेंट करेगा, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? ठीक है, आंसर क्या है बच्चे? कितने? 15 प्लेयर होते हैं। कितने? 15 प्लेयर होते हैं, बड़ा आसान क्वेश्चन है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज नॉट इन्वॉल्व इन द मालाबार मिलिट्री एक्सरसाइज? मालाबार मिलिट्री एक्सरसाइज में कौन सी कंट्री जो है ये? भाई सेशन को लाइक कर देना बढ़िया तरीके से, एकदम स्पीड में लाइक कर देना, जितने भी बच्चे देख रहे हैं एकदम बढ़िया तरीके से, ठीक है। फिर 10:30 बजे वाली क्लास में जुड़ेंगे। अब भैया मालाबार एक्सरसाइज में कौन सी कंट्री पार्टिसिपेट नहीं करती? रशिया नहीं करती, बाकी तीनों के तीनों करती है, इंडिया, जापान और अमेरिका, तीनों के तीनों करती है, ठीक है। देखते हैं और क्वेश्चन से बात पे, व्हाट इज द नंबर ऑफ प्लेयर्स इन साइड? आसान हो गया क्रिकेट, 11, ठीक है। तो अभी हम कितने बजे मिलने वाले हैं? 10:30 बजे मिलने वाले हैं, साइंस की जो क्लास होगी। ऐसे फैक्चुअल डिटेल वाले कंटेंट को कराऊंगा मैं आज आपको, जो कि आपके लिए पेपर में पक्का है, इंपॉर्टेंट है। अनअकैडमी की फ्री लाइव क्लास है, डेली होती है 10:30 बजे, साइंस का कंप्लीट कोर्स है, तो आप जुड़ सकते हैं साइंस की क्लास में अभी 10:30 बजे, लिंक आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, ठीक है। तो ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, अमन सर वाईफाई स्टडी ऑफिशियल, ठीक है, टेलीग्राम चैनल है अमन सर वाईफाई स्टडी ऑफिशियल, जिसमें मेरी क्लास का शेड्यूल देख लो, क्योंकि आपको यूट्यूब क्लासेस देखने, ये मेरी यूट्यूब क्लासेस है। सुबह 6 बजे 15 मिनट का टॉपिक आप सभी जानते हैं, 5:30 बजे मैं कल से इधर न्यू सीरीज कराने वाला हूँ, ठीक है, 8:30 बजे बायोलॉजी हमेशा होती है, 9:30 बजे का लाइव टेस्ट, बिल्कुल न्यू सीरीज, ठीक है। ये अपना यूट्यूब का पोर्शन है, ये अपना अनअकैडमी का है। 9 से 11 सुबह क्लास, अभी रात को 10:30 बजे क्लास होगी, उसके बाद 2:30 बजे वाली क्लास, ठीक है। तो ये 9 से 11 2 घंटे की मैराथन होती है हमेशा, पॉलिटी की है कल, और आज साइंस की क्लास 10:30 बजे होगी, ठीक है, दिमाग पर रखिएगा। दीज आर द शेड्यूल ऑफ माई क्लास, ठीक है, जितने बच्चे देख रहे हैं, जितने बच्चे देख रहे हैं स्क्रीनशॉट कर लेना एक बार शेड्यूल को, और इस टेलीग्राम चैनल अमन सर वाईफाई स्टडी ऑफिशियल को ज्वाइन कर लो, क्योंकि लिंक जो आएगा वो इसी में आएगा, ठीक है, दिमाग पर रखेगा, वो लिंक इसी में आएगा। क्लियर कर डू? यस। तो ज्वाइन करिए टेलीग्राम चैनल अमन सर वाईफाई स्टडी ऑफिशियल, सेशन को करते हैं एंड, ठीक है, सेशन को करते हैं एंड, मिलते हैं अभी 10:30 बजे कहाँ पे, कौन सी क्लास में? साइंस की अनअकैडमी स्पेशल क्लास, ठीक है, जितने बच्चे देख रहे हैं, ठीक है, ओके बाय सभी को, जितने बच्चे देख रहे हैं। कोई डाउट हो तो
मेरे टेलीग्राम चैनल पे पूछ लेना, अमन सर वाई फाई स्टडियो ऑफिशियल पे, ठीक है, बढ़िया तरीके से। ओके भाई, सभी को।